हमारी काबिलियत खुदा की तरफ से है जिसने हमें नए अहद के खादिम ठहराया, हरफ के नहीं बल्कि रूह के। पहली तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का दूसरा खत करंथियों के नाम, तीसरा बाब 4-11 आयात तक। ऐ भाइयों, हम ऐसा भरोसा मसीह की मार्फत खुदा पर रखते हैं, ये नहीं कि हम आप ऐसे काबिल नहीं कि अपनी तरफ से कुछ ख्याल कर सकें, बल्कि हमारी काबिलियत खुदा की तरफ से है जिसने हमको नए अहद के खादम होने के लायक भी ठहराया है, हरफ के खादम नहीं बल्कि रूह के। क्योंकि हरफ मार डालता है मगर रूह जिंदा करती है, और अगर मौत की वो खिदमत जो हरूफ से पत्थरों पर खोदी गई थी ऐसे जलाल वाली थी कि बनी इसराइल मूसा के चेहरे पर ना पायदार जलाल के सबब से नजर ना कर सके, तो रूह की खिदमत कितनी ज्यादा जलाल वाली क्यों ना होगी। क्योंकि जब फतवा लगाने वाली खिदमत जलाली है तो सदाकत की खिदमत बहुत ज्यादा जलाल से मामूर क्यों ना होगी। बल्कि इस सूरत में जो जलील था फायद जलाल के सबब से बेजलाल मालूम हुआ, क्योंकि अगर ना पायदार चीज जलील थी तो पायदार कितनी ज्यादा जलील क्यों ना होगी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। जबूर जमायती जवाब। खुदावंद हमारा खुदा कदूस है। खुदावंद हमारे खुदा की तमजीद करो और उसके पांव की चौकी पर सजदा करो, वो कदूस है। जमायती जवाब। खुदावंद हमारा खुदा कदूस है। मूसा और हारून उसके काहिनों में से हैं और सैमुएल उनमें से है जो उसके नाम को पुकारते थे। वो खुदावंद को पुकारते थे और ये उनकी सुन लेता था। जुमायती जवाब। खुदावंद हमारा खुदा कुद्दूस है। वो बादल के सतून में से उनसे कलाम करता था, वो उसकी शहादतें सुनते थे और वो कानून भी जो उसने उन्हें दिया था। जुमायती जवाब। खुदावंद हमारा खुदा कुद्दूस है। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, तूने उनकी सुन ली। ऐ खुदा, तू उनके लिए गफूर था हालांकि तू उनके अफाल का मुंतकिम था। जमायती जवाब। खुदावंद हमारा खुदा कुद्दूस है। खुदावंद हमारे खुदा की तमजीद करो और उसके कोहे मुकद्दस पर सिद्धा करो, क्योंकि खुदावंद हमारा खुदा कुद्दूस है। जमायती जवाब। खुदावंद हमारा खुदा कुद्दूस है।